हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाले गुस्सा होने वाले सेंटेंस, यानी आप जब गुस्सा होंगे तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यानी गुस्सा में। तो मैं तुमसे तंग हो चुका हूँ, मतलब आपकी लाइफ में कोई है जिससे आप तंग हो चुके हैं। तंग होने का इंग्लिश क्या होता है? इरिटेट, इरिटेटेड, माने आप उस बंदे से इरिटेटेड हो। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम इरिटेटेड विद यू, यानी तेरे साथ, यानी कि मैं तुमसे तंग हो चुका हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई, और तंग हो चुका हूं की इंग्लिश एम होगी, और तंग हो चुका ना का इरिटेटेड विद यू, आई एम इरिटेटेड विद यू। बोलिए, आई एम इरिटेटेड विद यू। नेक्स्ट, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। गुस्सा में बोलते ना, तुम्हें ना खुद पर शर्म आनी चाहिए। तो शर्म आनी चाहिए तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू। और चाहिए का इंग्लिश यहां पर शुड होगा, वैसे मस्ट बी होता है और टू भी होता है, वैसे यहाँ पर यू शुड बी, यानी कि चाहिए। असेंबल ऑफ योर सेल्फ मतलब क्या हुआ? खुद पर। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं यू शुड बी असेंबल ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट, मेरे रास्ते में आना बंद करो, यानी स्टॉप गेटिंग इन माई वे। वे मतलब होता है रास्ता, यहाँ पर माई लगा है, यानी माई वास, My way, यानी मेरे रास्ते में। तो बोल सकते हैं Stop getting in my way। बोलिए मेरे साथ, Stop getting in my way। रटना नहीं है, दिमाग में घुसा कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे? इनका मतलब क्या हो गया? मैं, Stop getting in my way। Next, जवान संभाल के बात करो। किसी को दे जवान संभाल के बात करो, तो इंग्लिश में बोलेंगे माइंड योर लैंग्वेज। मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, आई एम इरिटेटेड विद यू। यू शुड बी असेंबल ऑफ योर सेल्फ। Stop getting in my way. Stop getting in my way. Mind your language. दोस्तों, इसी तरह की वीडियो चाहिए और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।